हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताऊंगा 500 VA 50 वोल्ट टू 290 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर एंड वाइंडिंग डाटा। ठीक है, तो आज हम जो डाटा दिखाऊंगा, जो ट्रांसफॉर्मर बनेगा उसका जो कोर होगा, कोर नंबर होगा वो होगा 4 नंबर। उसका जो बबिन साइज होगा वो होगा 2 इंच का। आपको जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो होगा 230 वोल्ट। ठीक है, तो हम उसका डाटा आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देखिए, ये जो हमारा कॉमन है, कॉमन से लेकर इधर तक जो पहले वाला टैपिंग है, उधर आपको मिलेगा 62 वोल्ट। उसका जो टर्न होगा वो होगा 248। उसके बाद दूसरी वाला जो टैपिंग है वो है 92 वोल्ट, उधर मिलेगा दूसरी लीड में। और उसका जो वायर का टर्न होगा वो होगा 368 टन। ठीक है, तीसरी वाला जो टैपिंग होगा, टैपिंग से आपको वोल्ट मिलेगा वो है 136 वोल्ट। उसका जो टर्न होगा वो होगा 544 टन। उसके बाद चौथी वाली जो टर्न है, टैपिंग है, उसमें आपको मिलेगा 166 वोल्ट, 664 टन पे। ठीक है, आपको जो पांचवा वाला जो टैपिंग में वोल्ट मिलेगा वो होगा 200 वोल्ट। आपको जो टन होगा वो होगा 800 टन। ठीक है, उसके बाद आपको बता देता हूँ जो उसका 12 वोल्ट होगा वो होगा कमन से लेकर 48 टन पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा। उसका जो SWG है, वायर का नंबर जो SWG है वो होगा 25 नंबर की वायर होगा। इधर आपको पहला वाला बता देता हूँ कौन सी टैपिंग कितनी टन पे होगा, वो तो बता दिया हम आपको। पहले बता देता हूँ कि कौन सी वाली टैपिंग कितने SWG से आप वाइंडिंग करोगे। पहले वाला जो आपको SWG होगा वो होगा 22, दूसरी वाले जो होगा वो भी 22 SWG, उसके बाद जो होगा तीसरी वाला वो होगा 21 नंबर SWG। ठीक है, चौथी वाली जो होगा वो होगा 21 SWG, जो पांचवा वाला होगा वो भी होगा 21 SWG। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दिया हमारा जो 500 VA ऑटोमेटिक का स्टेबलाइजर डाटा पूरी को पूरी बता दिया। तो आप ये देखिए, आप अभी आपको पूरी की पूरी देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो आपका खाता में नोट कर लीजिए, अब भी बनाते हो तो आपको ये डाटा काम में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।